मम्मी बस खत्म करो ये तमाशा, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी और मैं सीधा गोवा जाऊंगी। और शादी किए बिना गोवा तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। जिद में ना मैं भी तेरी माँ हूँ, समझ आई बात? मम्मी मैं क्या कह रही हूँ, इसकी शादी तो टूट ही गई है, अब इन्हें भी घर जाना है, देर हो रही है, मिलाई विलाई दे देते आप। आपको तो पता ही है ना, दामाद लोग हैं, बुरा मान जाते हैं। तुम्हारे पापा ने बोला था जब सारे बच्चों की शादी कर देंगे ना तो हम दोनों भी जाएंगे कश्मीर अपने हनीमून पे। इस पांचवी की तो हमने निपटा दी, अब छठी दो ही बची है, तेरी करके भी हम दोनों जाएंगे हनीमून पे कश्मीर की वादियों में। बिना हनीमून के 6 बच्चे हो गए, हनीमून पे जाते तो पता नहीं क्या ही होता। तुम बुड्ढों की ना जवानी नहीं खत्म हो रही, हम बच्चों की मरे घूमने जाने की, और यहाँ तुम दोनों ने प्लान किया है कश्मीर हनीमून पे जाने की। जी मम्मी जी, गोवा जाना है तुझे, गोवा जाना है तुझे। हाँ ये ले मेरी लाश पे से होके जा। और ये खोखली धमकियों से ना मैं नहीं डरती। और अगर तू गोवा गए तो मैं अपनी नस काट लूंगी, मैं मर जाऊंगी नस काट के यहीं पे, पापी के यहाँ पे मर जाऊंगी। आंटी बोली की शादी तो टूट ही गई है, एक काम करो मुझे उसका दूल्हा बना दो, फिर आप भी चले जाना हनीमून मनाने और हम दोनों चले जाएंगे गोवा। ये ना मैं तुझे ही मार दूंगी, दाढ़ी तेरी ढंग से निकली भी है, मेरी बेटी से शादी करेगा तू? हाँ बोल तू, जाएगी गोवा, जाएगी गोवा बोल। ठीक है नहीं जा रही गोवा और कर लूंगी शादी, आप प्लीज चक देखो मेरा फोन दे। हाँ जी दीदी जी नमस्ते। अरे हाँ मेरी भोली तो बहुत एक्साइटेड है आपके बेटे से मिलने के लिए, शाम को आ जाना रिश्ता पक्का। ओके बाय। भाभी जी अब शादी तो टूट ही गई है तो खाना ही खुलवा देते, भूख लग रही है जरा। अरे जरूर जरूर खुलवा लो खाना, मत खाओ मैं तो चली हनीमून। यहाँ इनकी बेटी की जिंदगी खराब हो गई और इन्हें हनीमून पे जाना है। अब जल्दी से जाके तैयार हो जाती हूँ, यही तो फर्स्ट स्टेप है मेरे हनीमून जाने का। आजकल की लड़कियों को तो पता ही नहीं कि कैसे लगाते हैं ब्लश, रुको मैं ही दिखा देती हूँ। हाय राम, इन जवान लड़कियों से ज्यादा सुंदर तो मैं ही लग रही हूँ, क्या मेकअप किया है मैंने कि नजर ना लग जाए। अब लड़के वालों को जाके देख लेती हूँ कहाँ रह गए। इस छठवी का भी रिश्ता पक्का करके आज फिर जाऊंगी मैं कश्मीर में अपना हनीमून मनाने। अरे ये लड़के वाले कहाँ रह गए, अब तो टाइम भी हो गया। वो ये गाड़ी, जाके देखती हूँ बोली तैयार हुई या फिर नहीं हुई। अरे मेरी बोली जल्दी से तैयार हो जा, इस घर के होने वाले दामाद आते ही होंगे किसी भी पल। तैयार हो तो गई हूँ, अब ये मेकअप की दुकान में डुबकी लगा लूँ। पता नहीं किस चिलगोजे को पकड़ के ले आती है मेरे लिए। अरे वाह मेरा बच्चा कितना सुंदर लग रहा है, किसी की नजर ना लग जाए। और हाँ बेटा याद से ना परफ्यूम शर्फ्यूम लगा लेना, तुझे पता है ना लड़के अच्छी खुशबू से अट्रैक्ट होते हैं। जी यार मम्मी कितनी चीप बातें करते हो आप। चुप रहे, ये चीप चुप कुछ नहीं होता, ये लॉन्ग लास्टिंग खुशबू के लिए ना मैं तुझे एक हैक बताती हूँ। मॉइस्चराइजर लेके और अब बस इसके अंदर अपना परफ्यूम मिला दे, देख ये वाला लगाते हैं, इसको मिक्स करके अब ऐसे लगा ले, पूरे दिन तक तू ही महकती फिरेगी। चलो मैं जा रही हूँ, बाहर मेहमान आ गए, जल्दी आ जा बेटा है ना, मैं आवाज लगाऊंगी, आ जा। मुझे नहीं जाना कहीं बीबी। आइए बैठे बैठे। और आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं कोई तकलीफ नहीं हुई। अरे अरे वो तकलीफ और कलतीफ नहीं, लतीफ होता है। अरे यार आप लोग गलत बोल रहे हो, लकतलीफ होता है। अरे जो भी आपको समझ आ गया ना बहन जी, वो सब छोड़िए, वो हमारे होने वाली नौकरानी,
बहुरानी बहुरानी कहाँ रह गई? अरे बहन जी इतना सच नहीं बोलना था। बोली बेटा देखो कौन आया है। छक्का। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। अरे बेटा कोहली ने मारा वर्ल्ड कप में। मैच देख रहा था। अच्छा तो आ गई चिलगोजू की फैमिली। नमस्ते। अरे बेटा बैठो बैठो मत बैठो मत, तुम दोनों जाओ बातें करो थोड़ा, जाओ बेटा। अरे जाओ बेटा जाओ आइए। शर्मीले है बड़ा। अच्छा खानदान के बच्चे तो आए। आए हाय इस नल्ले से मेरा रिश्ता होने जा रहा है। बैठिए। अरे मैं कैसे बैठ सकता हूँ, आप बैठिए ना, लेडीज फर्स्ट। देखिए ये सब कुछ नहीं होता, पुरानी बातें हैं, आप बैठ जाइए। अरे भोली जी मैं बोल रहा हूँ ना, आप बैठिए, आई इंसिस्ट। अरे बहन जी मेरी बेटी तो बिल्कुल कोमल है, गाय है गाय। बहन जी फिर तो राम मिलाई जोड़ी है, क्योंकि मेरा लड़का भी ना बिल्कुल वैसा है जैसा लड़कियों को पसंद है, एकदम रफ एंड टफ। थैंक यू। सुन मेरी बात ध्यान से कान खोल कर, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, मेरी मम्मी ना जबरदस्ती शादी करानी है, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है शादी में। लेकिन क्यों, आपको क्यों नहीं करनी है शादी? क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बहाना लगाऊं, वो मैं लेस्बियन हूं ना, मैं लड़के से थोड़ी ना कर सकती हूँ शादी। अरे वाह सच बोल रही हैं आप, ये क्यों इतना खुश हो रहे हैं? हाँ झूठ थोड़े बोलूंगी मैं। ये लो मैं भी गे हूँ और मेरी मम्मी भी मेरी जबरदस्ती शादी करा रही हैं। हे भगवान मैंने तो शादी से बचने के लिए कुछ भी बोल दिया था, पर ये तो सच में गे निकला। अगर मेरी से शादी हो गई तो क्या होगा, बुआ तो भूल जा बोली, तेरे तो बच्चे भी नहीं होंगे। सही बोल रही है बहन जी। लो बच्चे भी आ गए, निकलते हैं अब। जी बहन जी जल्दी मुलाकात होगी। नमस्ते। नमस्ते। चलो बेटा। नमस्ते। चलो बेटा सब अच्छे से हो गया। ये है वो लेस्बियन है, लेस्बियन। लेस्बियन? हेलो बहन जी, हाँ पार्क में मिलते हैं। अरे नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते। पता चला आपको? हाँ बहन जी पता तो चला, वैसे मुझे ना आपकी बेटी बहुत पसंद थी। हाँ लड़का तो आपका भी मुझे बहुत पसंद आया था वैसे। हाँ तो पसंद तो आएगा ही, कोई कमी थोड़ी है उसमें। हाँ तो मेरी लड़की में कौन सा कोई कमी है? कमी तो आप ही की बेटी में, वो है ना, वो क्या कहते हैं लेस्बियन। बहन जी जरा अपनी ना जबान संभाल के बात करो, समझ आई बात? आपका बेटा है वो, छी छी छी, ये जो लड़कों के साथ करता है। आपकी बेटी कोई तीर मारने वाला काम नहीं कर रही, मैंने भी देखा उसे लड़कियों के साथ घूमते हुए। मैंने भी देखा आपकी बेटी को रोज जो नुक्कड़ पे खड़ा होता है लड़कों के साथ। मेरी बेटी से तो ज्यादा ही अच्छा है मेरा बेटा, बड़ी आई। पागल औरत, नहीं औरतों सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ। रुको 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 रुको, मेरी बेटी ने बोला कि आपका बेटा गे है और मेरे बेटे ने बोला आपकी बेटी लेस्बियन है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना? सब समझ में आ रहा है बहन जी, अब तो ये शादी होके रहेगी। ले बोली तू तो बहुत खुश हो रही थी ना कि तेरी दूसरी शादी टूट गई, तुझे ना तेरी नजर लग गई है, अब कर ले शादी और चली जा गोवा। <ले
तेरी तो किस्मत ही खराब हो गई। एक तो कुआ भी नहीं जा पा रही और ऊपर से ये और पल्ले पड़ गया। तेरे साथ ये क्यों होता है बोली? अरे बेटा जल्दी चल, बारात आ गई बाहर। मम्मी मैं आपको बोल रही हूँ, आप कभी भी अपने नाती और नातिन का चेहरा नहीं देख पाओगे। हाँ बेटा मैं सब समझती हूँ, ये मम्मी पागल नहीं है ना। चलो ड्रामा बंद करो जल्दी चलो। मम्मी मैं बोल रही हूँ वो गे। हाँ हाँ चलो चलो चलो। अरे अरे बेटा शांत हो जा, मम्मी की याद आएगी मुझे पता है। देखो मेरी बेटी कितना प्यार करती है अपनी मम्मी से, कितना रो रही है ना। चला ओम मंगलम विष्णु स्वाहा, कन्या को सिंदूर लगाइए बच्चा। कन्या को मंगलसूत्र पहनाइए बच्चा। शादी संपन्न हुई, सदा सुखी रहो। हमारी बेटी आपकी हुई बहन जी। नहीं नहीं बहन जी, हमारा बेटा आपका हुआ। हाँ जी सुनते हो, अब तो हम कश्मीर जाएंगे। ठीक है ठीक है। पछताओगे मम्मी आप? अरे हाँ बेटा चल चल, पड़ेगा एग्जाम तो पड़ेगा, अब तो शादी हो गई ना। मम्मी लड़की की चाल चलन देखो, मुझे ठीक नहीं लग रही है। सच में गे निकला। लो जी भोली की तो तीसरी शादी भी हो गई, पर ये शादी टिक पाएगी या नहीं ये तो भगवान ही जाने। पर अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा ना तो वीडियो को भर भर के लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सबके साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो बस फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।